इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज की जो प्रदर्शनी आज लगाई गई है, इसमें जो हमारे भारत के भविष्य हैं उन्होंने अपने कला को प्रदर्शित किया है। किसी ने G20 का के तस्वीरों से एक संदेश दिया है, तो किसी ने स्वस्थ भारत के तहत हमको किस तरह स्वस्थ रहना है इसको बखूबी प्रदर्शित किया है, एक संदेश दिया है समाज को। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इस कॉलेज में उपस्थित हुए हैं, बच्चों के कला को आपने देखा है, परखा है, क्या बोलना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शनी को लेकर? मैंने जो है टोटल 36 इवैल्यूएशन किया और यह पाया कि बहुत ही यह बच्चों में प्रतिभा है, बहुत लगन है, बड़ी मेहनत से बनाए हैं और यह बच्चे नॉलेजबल हैं। जो हम पूर्वांचल के कई कॉलेजों में घुमा हूँ उसकी तुलना में यह बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। भविष्य में इनके भविष्य बहुत अच्छे रहेंगे, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपके हाथ में खीर है जी, और ये क्या नाम बताया आपने? खीर, ये कोदो की खीर है सर, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, मैंने इसको टेस्ट किया जब मैं छोटा हुआ करता था। इस ग्रामीण क्षेत्र से ही मैं पैदा हुआ और मैं रिसर्च करने के लिए, आपको देखें कि ये बाल्बो गाड़ियाँ हैं, तो बाल्बो कंपनी जो है स्वीडन से स्टार्टिंग है और वहाँ पर जो है उन लोगों ने हमारे वर्क को देखते हुए हमको इन्वाइट किया और मैं उस स्वीडन में मैं गया और रास्बी अवार्ड के नाम से मुझे अवार्ड दिया गया। हमारी पूरी फैमिली को बुलाया गया। वहाँ जाने के बावजूद मुझे ये हुआ कि इस कोदो और सावा का वो जो बिस्तर हुआ करता था इस पर मैं सोया और पढ़ा, इसको खाया पिया, बड़ा हुआ और जा करके जो है विश्व स्तर पर जो है मैं जा करके वैसे जगहों पे मैंने अपना रिसर्च किया, उनको अपना जो है नॉलेज को उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके नॉलेज को ले आ करके और इंडिया में जो है हम अपने इंस्टीट्यूट में और साइंटिफिक कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया। यह बहुत ही अच्छा चीज़ है, यह बचपन में इसका बहुत उपयोग किया जाता था, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसको आगे जो है बढ़ावा देना चाहिए। अपने शब्दों से बहुत खूबसूरत चीज आपने बताया जिसको लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि ये जो बच्चे या बच्चियां इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज के आज प्रदर्शनी में एक अपना अहम रोल निभाया है, किसी की किसी को 10-10 दिन लगे हैं अपने प्रोजेक्ट तैयार करने में, तो इनको आशीर्वाद स्वरूप और इनके हौसले को अफजाई करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये तो हमारी शुभकामना है बच्चों के साथ और जितने मैं स्टेज मैंने जिनके काउंटर पे गया मैंने देखा कि कुछ बच्चे देख जैसे मेडिकल के क्षेत्र में बच्चे, फिर कैसे जो है हम क्लाइमेट को ये रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, बायोडायवर्सिटी के बारे में जो बच्चे वर्क किए हैं बहुत ही सराहनीय है, जितना मैं कहूँ वह कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।